नमस्कार, मैं एकता गुप्ता और आप देखें हंगामा टाइम्स न्यूज़। उत्तर प्रदेश में जहां अब कोरोना धीरे धीरे थम रहा है तो कहीं कहीं उभर भी रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में जीका वायरस के प्रहार ने एक व्यक्ति को लाचार बना दिया है। जहां उसकी रिपोर्ट में जीका वायरस की पुष्टि हुई है तो आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया है। आइए आपको बताते विस्तार से फतेहपुर से आने वाले इस मामले के बारे में, डालते हैं एक नज़र हमारे संवाददाता रिजवानुद्दीन की। फतेहपुर जिले में जीका वायरस की दस्तक से जिले की तेलियानी ब्लॉक के त्रिलोकी गांव में जीका वायरस का पहला केस मिलने के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया। 35 वर्षीय युवक राम प्रताप सिंह की जांच रिपोर्ट में जीका वायरस की पुष्टि होने के बाद प्रशासन अलर्ट पर है। टीम ने जीका वायरस से पीड़ित मरीज के परिजनों सहित 21 लोगों का सैंपल लिया। जीका से पीड़ित मरीज की हालत सामान्य पाए जाने के बाद उसे होम आइसोलेट किया गया है। सीएमओ डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने बताया, शहर से सटे तेलियानी ब्लॉक के त्रिलोकीपुर गांव के रहने वाले 35 वर्षीय राम प्रताप को काफ़ी दिनों से बुखार आ रहा था। वह सोमवार को इलाज कराने जिला अस्पताल गया, जहां ओपीडी वार्ड में पहुंचा। डॉक्टरों ने राम प्रताप का सैंपल लेकर लखनऊ भेजा था, जहाँ शुक्रवार को रिपोर्ट आ गई और जहाँ जीका वायरस की पुष्टि हुई। एक मामला अपने मिला है, क्या पूरा मामला है, क्या? देखिए, जीका का एक गांव है हमारा, तिलियानी ब्लॉक में पड़ता है त्रिलोकीपुर। वहां पर राम प्रताप सिंह है, सन ऑफ राम विशाल। तो 35 साल उनकी उम्र है। वो सदर हॉस्पिटल में, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहां पे हम क्योंकि सैंपलिंग कर रहे थे, वो वहाँ ओपीडी में गए दिखाने, बुखार आया उन्हें, तो वहाँ उनकी उनका सैंपल ले लिया। सैंपल हमने भेज दिया लखनऊ। सैंपल में वो जब सैंपलों की जांच होके आई तो उसमें वो जो है जीका वायरस पॉजिटिव निकले। जैसे ही रिपोर्ट आई, हम लोगों ने, हम प्लस डीएम मैडम, हम लोगों ने गांव की विजिट करी। साथ ही साथ 4 नोडल जो है प्रशासन की तरफ से बनाए गए, जिनमें एक हेल्थ की तरफ से डॉक्टर SP जौहरी और 3 और लगाए गए, प्लस मेरे यहाँ से 4 टीम बनाई गई। सर्वे वाली टीम बनाई गई जो सर्वेलेंस वाली है, और टेस्टिंग वाली टीम बनाई गई, और एक जो है उसमें जो मेडिकल कैंप लग रहे हैं उसकी बनाई। इस तरह से 4 टीम वहाँ बनाई गई, और एक मलेरिया विभाग की टीम लगाई गई, वेक्टन बॉर्न के यहाँ से, DMO के यहाँ से। तो सब लोग कल गए थे वहाँ पे, सभी DPRO साहब की टीम भी पूरी लगी, तो सभी वहाँ पे साफ सफाई कराई गई है और एंटी लार्वा छिड़काव कराया गया है। साथ ही शाम को फोगिंग भी कराई गई है। पूरे जो गांव में जो जितने भी घर हैं उनमें सब में पायरीथ्रम का छिड़काव कराया गया है। 4 वहां पे तालाब हैं, उनकी भी सफाई कराई गई है। एंटी लार्वा वहां भी कराया गया है, और जो हेल्थ कैंप लगा है उसमें सबको दवाई वितरित की गई है। आशा आंगनवाड़ियों ने मिलकर घर घर जाकर पूरा सर्वे कराया गया है, और जो बुखार के रोगी मिले हैं उनकी सैंपलिंग कराई गई है। गर्भवती महिलाएं मिली हैं उनकी सैंपलिंग कराई गई है। जो लोग बाहर से आए, ट्रेवलर हिस्ट्री है, उनकी सैंपलिंग कराई गई है। तो टोटल सैंपल कल 12 सैंपल कल कराए गए थे, और 9 सैंपल आज कराए गए हैं। कल वाले सैंपल भेज दिए हैं, उनकी रिपोर्ट देखी, कल तक सुबह तक शायद आएगी। टोटल 21 सैंपलिंग हुई है, और बाकी अभी भी आज मैं टीम वहाँ कैंप करे हुए है। आज फिर वही वहाँ पे फोगिंग भी होगी, और जो बाकी घर सर्वे के लिए रह गए थे वो भी लगभग पूरे कर लिए जाएंगे, और हेल्थ कैंप तो लगातार लगेगा ही। उसमें 400 मीटर में सराउंडिंग में एक जो है कंटेनमेंट जोन बना दिया है, जिसमें कि सर्वे करा गया, और फिर उसके बाद में फिर जो उसके बाहर 3 किलोमीटर तक की परिधि में उसमें कराया जाएगा सर्वे, और टीम जाएगी वहाँ पे, हेल्थ कैंप भी लगेगा। साथ ही साथ जो पेशेंट है उनको आइसोलेट कर दिया है, और सभी को वहाँ पे स्वास्थ्य शिक्षा दी गई है कि सभी फुल आस्तीन के कपड़े पहने, मच्छरदानी का प्रयोग करें, और अगर कोई दिक्कत होती है तो तुरंत बताएं। टीम वहाँ काम कर ही रही है, तो जिससे कि अगर किसी को बुखार आता है तो उसकी सैंपलिंग हो जाए और उनको दवाई मिल जाए टाइम से।